सुबह के अभी 9 बज चुके हैं और मेरे दोनों बच्चों ने नहा लिया, हम लोगों ने भी चाय वगैरह पी लिया है। दोनों बच्चे नहा लिए हैं, पार्थ नहा के बहुत खुश हो रहा है। अभी पार्थ तुम पूजा भी करोगे? माही भगवान जी को जय की। सुबह में धूप बहुत अच्छी लगती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड़िया झा। अभी सुबह के 9 के राउंड हो रहे हैं और हम लोगों ने चाय पी लिया, बच्चों ने भी नहा लिया जैसा कि आप लोगों ने देखा। अभी मैं थोड़ा सा मतलब चाय पीते पीते थोड़ा सा धूप भी लगा रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत अच्छी धूप आ रही है। सुबह के टाइम का धूप का ना मतलब मज़ा ही कुछ और होता है, बहुत अच्छा लगता है। आज पतिदेव छुट्टी पर हैं तो देखते हैं कहीं घुमाने ले जाए तो बढ़िया बात है, ऐसे तो कोरोना टाइम में कहीं निकलने का नहीं है, लेकिन अपने सेफ्टी को देखते हुए कहीं हो सकता है बाहर निकले। और खाने में आज चिकन बनाऊंगी, वही चिकन लाने के लिए गए हैं पतिदेव। तब तक मैं नहा धो के तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि बालों में बहुत ज़्यादा तेल लगा रखा है तो इस वजह से भी थोड़ा सा नहाना जल्दी है। ऐसे भी मैं 9, 9:30 तक नहा लेती हूँ। ठीक है, फिर नहा के मिलते हैं, बाय। नहा के आ गई हूँ तो आप थोड़ा सा सिंदूर वगैरह सब लगा लेते हैं। ये मैंने सिंदूर लगाया, पीछे से पतिदेव मुझे चिढ़ा रहे हैं क्योंकि मैं जो है थोड़ा लंबा सिंदूर लगाती हूँ, सिंदूर बिंदी लगा लिया। अब किचन चलते हैं काम करने के लिए, किचन में भी चिकन ला के रखा हुआ है। किचन का मैं कल दिखाऊंगी, आज हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए क्योंकि इसके पापा ने बोला चलो घुमा देते हैं तुम लोगों को। तो बस वही सब रेडी है, मैं माही पार्थ, ये रही माही। अभी पतिदेव जी आएंगे, वो भी तैयार हो रहे, घर में ताला वाला लगा रहे हैं, देखते हैं कहाँ लेके चलते हैं। अरे यार, निकलते ही एकदम रास्ते में बाइक ख़राब हो गई इनकी, तो अभी वहीं पे हम लोग हैं। बेचारा पार्क देख रहा है कि हम लोग कब पार्क पहुँचेंगे। हमने डिसाइड किया था कि हम पार्क चलेंगे, एनर्जी पार्क बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, तो अभी वही सोच रहे हैं, बट अब बाइक ठीक होगी तब ना। ये हम पहुंच गए लेकिन बहुत ही बुरा हुआ। यहाँ पे जब पहुँचे तो पता चला एनर्जी पार्क में बच्चे ले जाना अभी अलाउ नहीं है, क्योंकि मतलब 10 साल से नीचे के बच्चे अभी कोरोना टाइम में नहीं जा सकते। कोई नहीं, फिर हम लोगों ने वहीं बाहर में थोड़ा आइसक्रीम खाया, पार्क का मन था आइसक्रीम खाने का। माही वही टहल रही है, बार बार झूला वगैरह को देख रही है कि मैं क्यों नहीं गई वहाँ पर। तब हम लोगों ने आइसक्रीम खाया, फिर हम अपने रिलेटिव के यहाँ चले गए, वहाँ पर बच्चों ने खूब मज़ा किया। तो चलो, दिन फिर भी सफल रहा कि बच्चों ने मजा किया, हम मैंने भी एकदम हंस बोल लिया, तो इन शॉर्ट की अच्छा रहा दिन। चलिए अब घर चलते हैं। घर आ गए, रात के 8:30 बज रहे हैं, ये सब ताला खोल रहे हैं, ताला खोल के अब जा रहे हैं हम लोग अंदर। कहीं तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं थक गई हूँ एकदम से। अब जा रही हूँ, ड्रेस वगैरह चेंज कर लेती हूँ, बच्चों को भी दूध पूछ लेती हूँ। अब इतने बोला खाना नहीं खाएँगे तो चलो छुट्टी है, रात में बिग बॉस देखने के बाद सो जाएँगे। तो आज का दिन तो कुछ खास रहा नहीं, हम लोगों ने जैसा सोचा था कि जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे भी पार्क में खेलेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कोई नहीं, रिलेटिव के घर गए तो वहाँ पे भी बहुत मज़ा आया, बच्चों ने बहुत मज़े किए, तो वह एक अच्छा लगा। अब 10 बज रहे हैं और अमित को अभी भूख लगी है, पहले तो बोले खाएँगे नहीं, अब फिर बोल रहे हैं कि खाएँगे। तो दिन का ग्रेवी रखा हुआ है चिकन का, तो उसके साथ मैं लिट्टी बना देती हूँ, लिट्टी बहुत टेस्टी लगता है, लिट्टी और चिकन ग्रेवी, तो वो अभी बना लेती हूँ। लिट्टी बनाना तो बहुत ही ईजी है, पहले मैंने थोड़ा सा आटा लिया क्योंकि दो ही लोग हैं तो ज़्यादा आटा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसमें थोड़ा सा रिफाइंड तेल डाल दिया मैंने और उसको अच्छे से खूब अच्छे से सब जगह मिला लिया, और मिलाने के बाद देखिए कैसे मुठला जैसे जब बनने लगा, तब उसमें थोड़ा सा नमक भी डाल दिया मैंने, और नमक डाल के फिर उसका एक टाइट डो मैंने बना लिया। ये हमने आटा गूँथ लिया, थोड़ा टाइट गूँथा है, जब तक ये 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं, जब तक ये फूल रहा है तब तक हम सत्तू का जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो हमने सत्तू लिया, इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च, थोड़ा सा अचार का मसाला, थोड़ा धनिया पत्ता,
लहसुन नमक, थोड़ा सा कच्चा तेल, बस हो गया। इसमें वैसे लहसुन प्याज सब भी डलता है, लेकिन नहीं डालूँगी क्योंकि चिकन ग्रेवी के साथ खाना है, तो मतलब ऐसे ही अच्छा लगता है। अब जल्दी जल्दी लिट्टी, छोटा छोटा लिट्टी तैयार कर लेते हैं ताकि जल्दी बन जाए। दूसरे गैस पे इधर मैंने ग्रेवी में आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा पानी मिला दिया। लिट्टी के साथ जो है सूप टाइप का ही चिकन ग्रेवी अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसमें मैंने एक पानी डाल दिया और थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर देंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा खाने का मन है तो आप मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट ऐसे ही अच्छा लगता है। तो देखिए ये ऐसा हो गया, ग्रेवी डाल दिया मैंने, थोड़ा सा इसमें नमक मिला दिया। अब इसको तब तक खोलने देते हैं, और इधर मैंने लिट्टी सेकने के लिए पैन चढ़ा दिया है। पैन में अब छोटा छोटा लिट्टी बना के हम डालते जाएंगे। देखिए तो मैं बिल्कुल छोटा छोटा लिट्टी बनाऊंगी ताकि जल्दी सिक जाए और जल्दी से खाना खा के सब सो जाए, बच्चों को भी नींद आ रही है। फटाफट फटाफट छोटा छोटा बनाए डालो। तो अब पैन गर्म हो चुका है, उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था, वो भी गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं लिट्टी डाल देती हूँ एक एक करके, सारे लिट्टी सेकने के लिए अच्छे से सिक जाएंगे। और ये सारे लिट्टी डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगी। ये मैंने ढक दिया इसको, थोड़ी देर हो गए। अब चलिए ढक्कन हटा के देखते हैं कि क्या हाल है लिट्टी के। देखिए लिट्टी, देखिए कितने सुंदर सुंदर फूले हुए हैं, फूल गए बहुत सुंदर से। देखिए बहुत सुंदर से फूल गए। अब सबको जो है मैं एक एक करके पलट दूंगी। अच्छे से मसूल मसूल के तोड़ देना है, प्लेट में रख देना है। मतलब चार पांच लिट्टी मैंने तोड़ करके प्लेट में रख दिए, बहुत क्रंची लिट्टी थे ये वाले सारे, और बहुत सुंदर से सिके भी थे, देख सकते हैं आप। उसको डालने के बाद इस पर मैंने करीब दो तीन कलछी जो है चिकन की ग्रेवी डाल दी थी। वैसे चिकन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, एकदम झालदार चिकन जिसको कहते हैं मेरे हस्बैंड, तो झालदार चिकन था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है देख के, मन कर रहा है अभी खाना स्टार्ट कर दो। और बस उसको थोड़ा सा गार्निश प्याज और धनिया पत्ता के साथ कर देंगे, बहुत ही यम्मी लगेगा। तो तैयार है लिट्टी और चिकन, चलिए पतिदेव को देते हैं। पतिदेव को बहुत टेस्टी लगता है ये, तो उनको देते हैं। ए जी आइए, बन गया लिट्टी चिकन, आइए आइए। बहुत
सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं भी एक विश्व देखिए कैसे शक्ल बना के खा रहे हैं ये लगता है इनको बहुत टेस्टी रहा है कैसा लग रहा है मित्र अंजन छोड़ दीजिए लाइए नहीं खाइए लाइए नहीं खाइए कुछ खुशी से बनाती हूँ तो ये ऐसे मुझे चिराते हैं तो अब बहुत रात हो चुकी है माही को अब नींद आ रही है देख सकते हो कैसे झुक रही है और हम लोग को भी नींद आ रही है पांचवी रुद्रा देख रहा है लेकिन उसको भी मुझे पता है नींद आ रही है बहुत तेज तो बस अब जा रहे हैं सोने के लिए पहले बच्चों को सुला देती हूँ फिर हम लोग सो जाएंगे और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है थैंक यू सो मच चल माही सोने के लिए बाय गुड नाइट स्वीट ड्रीम अपर चढ़ जा।